कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि संन्यास केवल पुरुषों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है कि केवल पुरुषों को ही संन्यास लेना चाहिए। सृष्टि के आदि काल से हमारे ऋषि ऋषिकाओं की स्वावनी परंपरा में जैसे इस पुरुष संन्यास लेते थे, ऐसी स्त्रियां भी संन्यास लेती थी। और वेदों की शिक्षा दीक्षा, जैसे पुरुष वेद की शिक्षा दीक्षा लेते थे, स्त्रियां भी वेद की विदुषियां और वेद की ऋषिकाएं हैं। लेकिन मध्य काल में ये भाव थोड़ा खंडित हुआ। अब दोबारा से पतंजलि योगपीठ में बड़े रूप में बेटियों को भी व्याकरण से लेकर के दर्शन उपनिषद और वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। यह एक अभिनव प्रयोग, माने अपनी सनातन संस्कृति का ये नूतन प्रयोग, और यह एक न्यायपूर्ण प्रयोग पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। और इस अनुष्ठान में हमारी बहनें भी वेद वेदांगों में दीक्षित होकर के वो भी संन्यास की दीक्षा ले रहे हैं, हमारे भाई भी। और इसमें हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र आदिवासी जिनको कहा जाता है, यहाँ कोई भेद नहीं रखा। जब हम एक ईश्वर की संतान, हम एक ही ऋषि ऋषिकाओं की संतान, एक भारत माता की संतान है, तो कहीं पर कोई भेदभाव हमने नहीं रखा। और हमने कहा था आज से 25 साल पहले, पहले कहते थे जो योगी है वही योग करेगा, हमने कहा जो योग करेगा वही योगी हो जाएगा। और वेद को गुफाओं से, ग्रंथों से और ग्लैमर से, पहले गुफाओं ग्रंथों में था, और इंदिरा गांधी के समय जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उनको योग कराने जाते थे तो ग्लैमरस हो गया था। गुफाओं ग्रंथों और ग्लैमर से योग बाहर निकला और पूरे विश्व में आज योग का घोराव बढ़ा और सब योगी बन रहे हैं। ऐसे हमने कहा जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा, वही ब्रह्म के नजदीक जाएगा। तो हमने ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणत्व प्रदान किया ही, जो क्षत्रिय वैश्य और जो समाज में जिनको शूद्र दलित आदिवासी वनवासी वाल्मीकि आदि कहा जाता था उनको भी वेद पढ़ा करके उनको भी द्विज बना दिया है। ये एक बड़ी बात हुई है।